बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अज़ीज़िया दवाखाना। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इस वक्त हसद बूत की बीमारी बहुत ज़्यादा है। हर शख्स दूसरे को खुशहाल देखना नहीं चाहता और ज़बान से कुछ कहकर बुरा भी नहीं बनना चाहता। अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुँचाता है। कैसे पहुँचाता है? जादू के ज़रिए। आजकल जादू का चक्कर आप कहीं भी देख लें बहुत ज़्यादा है, जबकि जादू करने वाले की बख्शिश नहीं है। जो जादू करने वाले के पास जाता है उसका ईमान चला जाता है। अब हमें कैसे मालूम हो कि हम पर जादू है या जिन्नात का असर है या कोई जिस्मानी मर्ज है? तो परेशान ना हो, आज का जो अमल आपको बताने लगा हूँ इससे आप बआसानी ये मालूम कर सकते हैं कि आप पर जादू है या कोई जिस्मानी मर्ज है या जिन्नात का असर है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर ऐसी मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो अमल आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले एक नीला धागा, थोड़ा मोटा जिसे डोरा कहते हैं, थोड़ा मोटे वाला धागा ले लें। उसके बाद उस शख्स जिस पर जादू चेक करना है, मालूम करना है उस पर जादू है या नहीं, उसके पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक वो धागा नाप लें। नापने के बाद 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल जो 29वें सिपारे में है पढ़ें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें और धागे पर दम कर दें। फिर दोबारा इस धागे को नापें, अगर छोटा हो जाए तो सहर यानी जादू है और अगर बढ़ जाए तो जिन्नात का असर है, और अगर बराबर रहे धागा तो कोई जिस्मानी मर्ज है, डॉक्टर से इलाज कराएं। यह अमल करने के बाद आप किसी भी आमिल से हिसाब करा कर देख लें, वही बात निकलेगी जो मैंने बताई है इस अमल में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकअल्लाह।